सुल्तानपुर में बंधुआ कला क्षेत्र में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि एक गरीब का आसियाना ही उजाड़ दिया। साथ ही गरीब के घर में रखे 10,000 रुपए भी उड़ा ले गए। पीड़ित मोहम्मद अहमद का कहना है कि ये लोग आए दिन बवाल मचाते रहते हैं पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही पीड़ित का ये भी कहना है कि थाना अध्यक्ष से लेकर चुनाव आयुक्त तक प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। SDM ने बंधुआ कला थाना प्रभारी को निर्देशित भी किया है कि स्थगन आदेश प्रभावी है, इसका पालन किया जाए, पर प्रशासन पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है। सवेरे 15 लोग आए यहाँ, मौके पे मेरा पूरा ये मकान जो पल्ली का पूरा गिरा दिए, इसमें 10,000 रुपया था वो भी लिखा गया, जबकि ये स्थगन आदेश प्रभावित है, जबकि CRO साहब ने भी ये लिखा है और ये SDO महोदय का भी स्थगन आदेश प्रभावित है और थाना अध्यक्ष महोदय को मैंने दिया है, फिर भी इन्होंने इग्नोर करके जबरदस्ती कोई कार्रवाई नहीं की। मैं उनको 4 बार फ़ोन किया, 3 बार थाने गया, कहे फोर्स भेज रहे हैं, अभी तक 2 घंटे बाद एक सिपाही फोटो लेके गया, जबकि अभी FIR नहीं दर्ज हुई। और ये दबंगों का इतना मनोबल बढ़ता जा रहा है कि ये हत्या के ये बार बार प्रयास कर रहे हैं, जबकि मैं थाना अध्यक्ष महोदय को 3 बार अप्लीकेशन इससे 1 महीना पहले दे चुका हूँ। कप्तान साहब को पिछले संडे को वहाँ अरेस्ट किया और उसके बाद सोमवार को फिर दिया, SDM को दिया, चुनाव आयुक्त को भी दिया और जिसमें CRO महोदय को तत्काल दिया, उन्होंने SO बंधुआ कला को ये निर्देशित किया कि स्थगन आदेश प्रभावी है, इसका पालन कराया जाए, ये लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई से कोई कार्रवाई हुई नहीं के खिलाफ। इनका मनोबल इतना बढ़ता जा रहा है कि ये आए दिन कोई ना कोई घटना हो सकती है, इसका जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या SO बंधुआ कला, कौन हो सकता है? मेरी जान की रक्षा, एक कप्तान साहब से ये निवेदन है कि मेरी जान की रक्षा कराई जाए, इसकी सुरक्षा के जिम्मेदार कप्तान महोदय ये ले और ये बंधुआ कला SO को निर्देश दिया जाए कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित का कहना है कि दबंगों ने मेरा घर उजाड़ने के साथ साथ इस बार जान से मारने की धमकी भी दी है। वो लोग तो हत्या के इरादे से यहाँ आए थे पर गांव वालों की मदद से मेरा परिवार बच पाया है। साथ ही कहा कि मेरा कप्तान साहब से निवेदन है कि बंधुआ कला के SO को निर्देशित करें कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।